नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टूरिस्ट पॉइंट पर। मेरा नाम है दीपक और आप सभी जानते हैं कि हम आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपके 25 अप्रैल को होना है। उसका सब्जेक्ट हम आपका पर्यावरण कवर कर रहे हैं जो कि टॉपिक वाइज चल रहा है हमारा पिछले 45 दिनों से। बीच के हमने संडे इसमें नहीं इंक्लूड किए हैं क्योंकि उसमें हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं, उसके 6 वीडियो हो चुके हैं। उसमें हम बहुत सारे IMP क्वेश्चन करते हैं आपके, जो कि आपके एग्जाम में आने के हिसाब के हम उसमें क्वेश्चन जितने भी वो कवर करते हैं। तो वो वाले वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और यदि आपने अंतरिक्ष विज्ञान का कल वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि दिन 44 वाला था, तो वो आप देख लीजिए। इन क्वेश्चंस की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये था आपका कल की तरह ही, आज भी अंतरिक्ष विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, कल मैं बता चुका था। तो हम मोटिवेशन थोड़ा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि आपके पास वैसे ही समय की कमी रहती है, आपको दूसरे सब्जेक्ट भी कवर करने होते हैं। तो आज का मोटिवेशन थोड़ा हमारा ये है कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मतलब क्या है चीज़ से कि आपको प्रयासरत रहना है। अभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जिनको और कुछ आगे करना है। एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, ये वाली क्वालिफाई भी करना है, आई होप आप सब क्वालिफाई भी हो जाएंगे इसमें, लेकिन हमें और भी कुछ बड़ा करने की सोचना है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत छोटी लगेगी। बोलते हैं ना कि यदि हमें परसेंटेज का टारगेट बनाना है एग्ज़ाम में तो 95 का बनाएंगे तब 90 बनेगा। तो इसी तरह यदि आप और बड़ा करने की सोचेंगे तब आप ये वर्ग 3 की क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अभी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम इसे देना है और बनो इस तरह से कि आप खुद ऐसा ना बोलो कि मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करी थी, दूसरे आपके बारे में ऐसा बोले कि इसने इसने इतनी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका है और फिर भी और अच्छी बढ़िया तैयारी कर रहा है। तो आपको इसी तरह से बनना है कि लोग आपके बारे में कहें। और आपको अभी तो ये तो आपके पहले एग्ज़ाम में, दूसरे एग्ज़ाम होगी जिनने 12वीं के बाद DED BED किया है या फिर BED वाले भी होंगे, तो इस तरह कई एग्ज़ाम आपको देना है। तो आपको हताश नहीं होना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला, भारत का प्रथम प्रायोगिक भू प्रेषण उपग्रह कौन सा है? तो आपका प्रथम प्रायोगिक भू प्रेषण उपग्रह कौन सा ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है बाहुबली, भास्कर 1, चंद्रयान 1 और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी कक्षाएं होती है वो 2 तरीके कक्षाएं होती है, ये आपकी जैसे पृथ्वी हो गई, तो आपकी पहली जो कक्षा हो ध्रुवीय कक्षा हो गई, और आपकी जो दूसरी कक्षा हो गई वो हो गई आपकी भूस्थैतिक कक्षा। ठीक है, तो इस कक्षा में जो प्रथम उपग्रह स्थापित किया गया था प्रायोगिक भू प्रेषण के लिए, उस उपग्रह का नाम आपको बताना है। तो होता ही है कि जो इस कक्षा में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वो पृथ्वी का चक्कर जो लगाते हैं वो लगाते हैं 24 घंटे में एक बार, मतलब एक राउंड, और ये पास वाले आपका 1 घंटे 1.5 घंटे में चक्कर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि ये कक्षा पृथ्वी के पास होती है और ये 400-700 किलोमीटर की दूरी के अंतराल में होती है, और जो दूसरी कक्षा भूस्थैतिक या भूतुल्यकालिक कक्षा इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसकी 36,000 किलोमीटर दूरी होती है, तो इसमें राउंड बड़ा हो जाता है फिर, है ना, क्योंकि उसकी केंद्र से दूरी बढ़ जाती है। तो उसको 24 घंटे लगते पूरी कक्षा पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने। 2 ही तरह की कक्षाएँ होती है, 2 से ज़्यादा कक्षाएँ नहीं होती जिनमें उपग्रह को स्थापित करते हैं पृथ्वी के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रथम प्रायोगिक भू प्रेषण उपग्रह ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस उद्देश्य से हुआ था? हमने आर्यभट्ट को स्थापित किया था आपकी ध्रुवीय कक्षा में, तो किस लिए किया था ये हमें बताना है। शिक्षा के लिए, मौसम की जानकारी, जल की खोज हेतु और वैज्ञानिक कार्य हेतु। तो जो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था वो हम इन फ्यूचर वैज्ञानिक कार्य कर सके अंतरिक्ष में, उसके लिए उसका जो प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस देश से हुआ था? ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था कि हमने आर्यभट्ट को जो लॉन्च किया था वो रूस की सहायता से किया था। तो आपका एक नाटो होता है जिसका मेन सदस्य आपका अमेरिका होता है, और एक USSR होता है जो कि सोवियत संघ होता है रूस, और रूस जो है एक समाजवादी देश है जो कि भारत व बाकी सारे देशों को लेकर चलता है। तो हम उन सभी बातों का हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमने यदि अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम किया तो उसके लिए हमें रूस ने हेल्प की है। जब हम बिल्कुल चिन्ना सा काम भी नहीं कर पा रहे थे अंतरिक्ष क्षेत्र में, तब भी हमारी रूस ने आपके उपग्रह भेजने में उनके अंतरिक्ष स्पेस से हमारी मदद की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन है अमेरिका से, ब्रिटेन से, सोवियत संघ से, जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर 3 सोवियत संघ आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भास्कर 2 उपग्रह को किस वर्ष कक्षा में स्थापित किया गया था? आपको बताना है कि भास्कर 2 को कब कक्षा में स्थापित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 1981 में, 1975 में, 1950 में और 1995 में। तो आपका जो उत्तर नंबर 1 सही हो जाएगा, 1981 में
भास्कर 2 को उपग्रह को स्थापित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जिसका उपयोग विविध संचार परीक्षणों के लिए हुआ कौन सा है। अब आपको बताना है किस उस संचार परीक्षणों के लिए जिस उपग्रह का उपयोग हुआ है जो कि भारत के द्वारा पहला भेजा गया था वह कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है भास्कर 1, एप्पल, इनसेट, आर्यभट्ट। तो संचार परीक्षणों के लिए भारत के द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह था एप्पल, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है एप्पल का प्रक्षेपण किस तिथि को हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 19 जून 1981 को, 20 जून 1982 को, 25 अप्रैल 1981 को, 26 जुलाई 1981 को। तो 19 जून 1981 को एप्पल का प्रक्षेपण किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा 7 क्वेश्चन है आर्यभट्ट उपग्रह कितनी अवधि तक कार्यशील रहा। आपको बताना है कि आर्यभट्ट को जब लॉन्च किया था उसके बाद वह कब लॉन्च हुआ, यह हम कल की वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। 1975 में लॉन्च हुआ था, तो कितने वर्ष तक यह कार्यरत रहा और कितने वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान करता रहा वैज्ञानिक कार्यों हेतु, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है 20 वर्ष, 17 वर्ष, 27 वर्ष और 10 वर्ष। तो ये अपनी 17 वर्षों तक जो है इसकी अवधि तक ये कार्यशील रहा, उसके बाद इसने इसके द्वारा सूचनाएं आदान प्रदान होना बंद हो गई, मतलब ये काम करना इसने बंद कर दिया था। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है किस श्रृंखला के उपग्रह का डिजाइन स्वदेशी राकेट SLV-3 के लिए किया गया था। हमें बताना है SLV-3 के लिए किस स्वदेशी राकेट का, मतलब किस उपग्रह को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह SLV-3 में चला जाए, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है चंद्रयान, मंगलयान, रोहिणी और यह सभी। तो SLV-3 के लिए जिन उपग्रह को तैयार किया गया था उस श्रृंखला को रोहिणी श्रृंखला कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन 9 नंबर का रोहिणी श्रृंखला का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था। ऑप्शन है 1979 में, 1985 में, 1990 में और 1945 में। तो जो है आपका प्रथम उपग्रह रोहिणी श्रृंखला का 1979 में भेजा गया था, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है भारतीय उपग्रह को उनकी कक्षा के आधार पर कितने वर्गों में रखा गया है। ये चार लिखा है, इसको चार कर लीजिएगा, 4, 5, 8, 2। अभी हमने पढ़ा दोस्तों, मैंने आपको पृथ्वी बताई थी, उसके पास एक ध्रुवीय कक्षा हो गई जिसको आगे आपका 400-700 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, और दूसरी कक्षा जो आपकी होती है उसको भूस्थितिक कक्षा कहते हैं जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, और इसमें स्थापित होने वाले ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, वो 24 घंटे में एक बार परिक्रमा कर लेते हैं। तो ये तो हो गई थी पहले वाली बात, तो दो ही कक्षा मैंने बताई थी आपको, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 2, 4, 8 कुछ भी नहीं, सिर्फ दो ही कक्षाएँ होती है। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए चैनल को, जिससे कि उनकी भी तैयारी आपकी तरह बेहतर चल सके। आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, यदि इसमें किसी तरह की आपको समस्या आती तो आप मुझे कमेंट्स पुट कीजिए, जिससे कि मैं आपके वीडियो को और बेहतर बना सकूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में, किस उपग्रह श्रृंखला का संबंध अंतरिक्ष दूर संचार भारतीय मौसम रेडियो एवं दूरदर्शन से के साथ है, मतलब उसके साथ कौन सा ऐसा उपग्रह है जो कि आपको भारतीय मौसम रेडियो दूर संचार और अंतरिक्ष ये सारी सुविधाएं इन सब की जानकारी आपको देता है। आपका ऑप्शन है मेडसेट, इनसेट, रोहिणी और भास्कर। तो आपका जो है इनसेट जो है वो आपको भारतीय मौसम रेडियो और दूरसंचार संबंधी जितनी भी सूचनाएं उनका आदान प्रदान करता है, जो कि आपके 5G पर भी अभी काम करने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है इनसेट का पूरा नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है भारतीय प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनसेट मतलब कि हम अगर इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे इनसेट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये भी आपका ऑप्शन चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, इसमें 5 है, ठीक, ये भी चला गया, बचा कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी कि इंडियन नेशनल SAT मतलब सेटेलाइट, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो आपको कुछ क्वेश्चन तो दिमाग से ही करने पड़ेंगे, और या फिर इनका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, है ना। तो बहुत सिंपल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सारे सिंपल लेवल के रहेंगे, बस हमें याद नहीं रहेंगे तो कठिन ही लगेंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ अभी पढ़ने से मतलब रखना और पढ़ने पर ही फोकस करना है। किस वर्ग के भारतीय उपग्रह को पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा या उसके समीपस्थ स्थानों पर प्रक्षेपित किया जाता है। आपको बताना है कि जो पृथ्वी है ना, एक आपका नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, तो ये आपकी चुंबकीय रेखा की तरह है एक तरह से, तो इसकी कक्षा के
ऊपर या नीचे, इन दिशा में या फिर इनके समीपस्थ कक्षाएं पड़ती है आपकी, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है तो जो कक्षा रहेगी वो इसके समीपस्थ रहेगी। तो इन कक्षाओं में कौन से उपग्रह को भेजा जाता है आपके पास से? मेडसेट, आर्यभट्ट, इनसेट, यह सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, इनसेट को जो है आपकी चुंबक की भूमध्य रेखा या उसके समीपस्थ स्थानों पर प्रक्षेपित किया जाता है। अगला हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इनसेट उपग्रह को चुंबक की भूमध्य रेखा पर क्यों प्रक्षेपित किया जाता है? क्यों किया जाता है आप सभी जानते हैं, पर पहले हम इसका ऑप्शन देखते हैं। वहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, वहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता नहीं है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल तो सभी जगह होता है, कम ज़्यादा होता है ये हम मानते हैं, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी हो गई, ध्रुव पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, और आपका केंद्र पर सबसे अधिक होता है, तो इसलिए आपको ध्रुव पर जो है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, यानी चुंबक चुंबक की भूमध्य रेखा से मतलब है ध्रुवों पर जो है चुंबक की बल कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पर प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे कि उसका पृथ्वी से खिंचाव कम रहे, है ना। तो इसलिए हमें ईंधन की भी कम आवश्यकता होती है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा तो हमें उसको पृथ्वी से प्रतिकर्षण करने के लिए ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है। भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं? देखो पृथ्वी हो गई, ध्रुवीय कक्षा हो गई, है ना, जिसको हम पोलर ऑर्बिट बोलते हैं, और आपका हो गया अगला भूस्थित उपग्रह, इसको पढ़ते आ रहे हैं अपने स्टार्टिंग से, है ना। तो इसकी 400-700 किलोमीटर की दूरी पर, ये 36,000 किलोमीटर की दूरी पर हो गया, है ना, ये मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, जिसमें आपका भास्कर इन वगैरह जो 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इन उपग्रह को भेजा गया है, जो कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप आंसर देखेंगे स्टार्टिंग से सही से सुनेंगे, तो आपके लगभग 2-4 क्वेश्चन तो हम बोलने बोलने में ही सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, या फिर इसमें किस तरह का परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरे द्वारा जो आपके लिए मेहनत की जा रही है वो सही दिशा में जा रही है। आप कमेंट्स नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियो बना देता हूँ, आप देखते हैं तो देख लेते हैं, या फिर कुछ लोग नहीं भी देखते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर पुट कीजिएगा। और अंत तक बने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।